हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल मेहुल टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में थोड़े टाइम पहले आरटीओ की 18 सेवाएं जो सरकार ने ऑनलाइन की है, ये सेवा लेने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर एक वीडियो बनाया था। ये कौन सी ऑनलाइन सुविधाएँ है, ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मगर उस वीडियो में कुछ लोगों ने कॉमेंट किया था कि उनके स्टेट में अभी भी स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आता है। बहुत सारे स्टेट में ये सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई है। ये 18 सेवा का लाभ लेने के लिए आपको आरटीओ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें ये सुविधाएं अभी ऑनलाइन नहीं की गई है। यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन तो कर सकते हो, मगर आपको ये काम करने के लिए आपको आरटीओ जाना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जान सकते हो कि आपके स्टेट में आरटीओ की ये 18 सुविधाएँ ऑनलाइन हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको यह जानना है और देखना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हो, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उस पर आप टिक कर दीजिए, वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और साथ में एक बेल आइकन है उसमें आप ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आरटीओ की 18 सेवाएँ आपके स्टेट में शुरू हुई है कि नहीं हुई है, ये जानने के लिए आपको यहाँ सर्च बार में परिवहन टाइप करके सर्च कर लेना है। परिवहन सर्च करते ही यहाँ पे parivahan.gov.in वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी ये वेबसाइट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे एक ड्राइवर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये ऑप्शन में आपको चले जाना है। ये ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ सब स्टेट के नाम दिखाई देंगे, यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अभी मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते ही मध्य प्रदेश की ऑनलाइन सुविधाओं के ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, उस पर क्लिक करेंगे। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध है कि नहीं है। जो भी स्टेट में 6 ऑप्शन आते हैं, ये स्टेट में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध की गई है, यानी कि उनको ये सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आरटीओ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं। जिस स्टेट में यहाँ 6 के बाद 7वां ऑप्शन आता है एल स्लॉट बुक का, तो उस स्टेट में अभी ऑनलाइन सुविधाएँ शुरू नहीं हुई है, उनको ये सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आरटीओ जाना ही पड़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से दूसरा स्टेट सिलेक्ट करके। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गुजरात, फिर अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस। यहाँ पे देखो 7 स्टेप दिखता है, इसमें 4 नंबर में LLS स्लॉट बुक का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि हमको गुजरात में अभी ये ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने वाला है। आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब कर सकते हो, मगर आपको आरटीओ तो जाना ही पड़ेगा। चलिए मैं दूसरा भी स्टेट दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है, फिर हम चले जाएंगे अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस में। यहाँ पे भी देखो दोस्तों 7 ऑप्शन मिलते हैं, 7वां ऑप्शन है एल स्लॉट बुक का, यानी अभी ये स्टेट में भी ऑनलाइन सुविधाएं एक्टिव नहीं हुई है। और एक दिखा देता हूँ मैं आपको, चलिए मैं यहाँ से बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। यहाँ पे देखो दोस्तों 7वां स्टेप नहीं है, सिर्फ 6 स्टेप ही है, तो आप बिहार में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आप अपने स्टेट में ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध है कि नहीं है ये देख सकते हो और जान सकते हो कि आरटीओ की 18 सेवाएं जो हाल ही में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन की है, जिसमें आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सुविधा शुरू हुई है कि नहीं हुई है ये ऐसे जान सकते हो। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल से ही बहुत आसानी से आपके स्टेट में आरटीओ की 18 सेवाएँ ऑनलाइन हुई है कि नहीं हुई है ये जान सकते हो। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ये सुविधाएं जान सकते हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।